أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। तो अभी हम जायजा ले रहे थे बनी इसराइल के हवाले से कि किन गुनाहों की पैदाश में वो उन पर अजाब आए और अजाब से कौन लोग बचाए गए। अंजैन अल्लदीन यनहौना अनिस्सू, जो के निजात उनको दी जो के बुराइयों से रोकते थे। इसी तरह आई कि फिर उन पर अंबिया की जुबान से लानत भेजी गई, और ये सब बातें अभी हमने मुताले में रखी। अब हम जायजा लेते हैं कि जब उनको इस जिम्मेदारी से सबकदोष कर दिया गया, माजूल कर दिया गया, तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जिसके हम भी उसी में शामिल हैं। जहां ये बात 22 फख्र सद इफ्तिखार है कि हम उस नबी की उम्मत है अलैहिस्सलाम, कि जिसकी उम्मत को खैर उम्मत और उम्मत वस्त करार दिया गया, वहां ये बात भी बड़ी तवज्जो तलब है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। जितना बड़ा रुतबा होता है उतनी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। अभी आप यहाँ किसी को गवर्नर बनाए सूबे का, वो कहे मैं तो बहुत बड़ा अफसर बन गया, मैं तो बस 12 घंटे सोया करूंगा और कभी बाग में जाकर सैर किया करूंगा। लोग कहेंगे नहीं भी, तुम्हें जिम्मेदारी भी आई है, अब तुम्हें कुछ काम भी करना है। तो जितना बड़ा अहदा मिलता है वो उसमें फिर आराम चैन खत्म हो जाता है, फिर जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसको सबसे बड़ा अहदा जब मिला, इसको भी कहा कि आपको भी ये जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है, और इस अहदे से एंजॉय कब करेंगे आप? एंजॉय करने के लिए दूसरी वक्त, ये कमरा इम्तहान है, इसमें आपने स्ट्रगल करनी है, जिम्मेदारी करनी है, बाद में आप एंजॉय करेंगे। सूरह बकरा के दूसरे सपारे के शुरू में आते हैं ना, कुल लिल्लाहि अल-मशरिकु वल-मग़रिब, ये मशरिक और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं। यानी जो क़िबला इनको बैतुल मक़दस दिया गया था, उस उम्मत को कहा गया था कि ये क़िबला भी कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह वहाँ पर रहे, ये तो तुम्हें एक उम्मत बनाया गया, तुम्हें एक ख़ास क़िबला दिया गया। अब दूसरी उम्मत बनाई गई, फिर बता यहदी में यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम, हम जिसे चाहे हिदायत दें, तो अब हिदायत के लिए ये उम्मत मुंतखब की गई। इसको क्या जिम्मेदारी लगाई गई? फरमाया वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदा अलन्नास यकूनर रसूल अलैकुम शहीदा, और ये जिम्मेदारी इसके बाद की इसकी पर आई, शहादत हक की इस उम्मत पर आई। फरमाया थुम्म जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्ध मिन बादिहिम, हमने उनके बाद तुम्हें जमीन पर खिलाफत दी, निरान जूरा कई फतह मालूम, अब देखें कि तुम कैसे काम करते। इस उम्मत को कहा गया कि अब इस उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि देखें कि कैसा काम करती है। अब जो मुसलमान जो है वो खैर उम्मत है। दो आयात का मैंने हवाला दिया, और भी रेफरेंसेस हैं। बेहतरीन ग्रोह जो हैं वो अब मुसलमान हैं। सूरह आले इमरान में दो आयतें करीब करीब आती हैं, पर 104 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर वयअमुरूना बिल मअरूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब बेहतरीन उम्मत वो तुम हो, इसे निकाला गया है, यदउना इलल खैर, दावत देते हो खैर की। तीन काम बताए गए हैं, 37 दूसरा क्या, यअमुरूना बिल मअरूफ, और तीसरा बताया वयनहौना अनिल मुनकर, और आखिर में रिजल्ट क्या बताया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फला पाएंगे। अब कौन हमें से फला नहीं पाना चाहता, इतने साथी बैठे हैं, कौन कौन फला पाना चाहता है, हाथ खड़े करें, सब कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फला का रास्ता पहले बता दिया कि ये तीन काम मत करो तो फला आपके लिए है। हम काम करें किए बगैर कहते हैं फला मिल जाए, अल्लाह ताला ने असूल तो बता दिए कामयाबी के,
اسی کی اگلی جو آیت 110 نمبر ہے اس میں بھی یہی کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس, اب تم یہ امت ہو جن کو انسانوں میں سے نکالا گیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم معروف کو حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ سارے حوالے قرآن پاک کے بے شمار حوالے, یہ ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ فلاح پانی ہے تو یہ مقصد وجود تمہارا یہ ہے, اصل ذمہ داری یہ ہے, اس میں کوتاہی کرو گے تو بعض کی تو سزا شاید صرف آخرت میں ہو, اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. یہ ایسی خطا ہے کہ جب آپ گند پھیلا, یعنی یہ کہتے ہیں بلدیا والے اگر کام صفائی چھوڑ دیں بلکہ خود بھی اس میں شامل ہو جائیں, اب ہمارے اپنا میڈیا اور یہ چیزیں اس کو پھیلانے میں لگے ہوتے ہیں, ہمارے حکمرانوں کے انڈر جو ادارے ہیں جس کو روک سکتے ہیں انسٹرکشن دے سکتے ہیں, لیکن وہ ادارے ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کہہ لیں کہ یہ بلدیا والے خود بجائے صفائی کرنے کے گند آگے پھیلا رہے ہیں, گند پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا. تو اس حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی اور اس کے بارے میں ہم سے وہاں بھی سوال ہوگا, یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہوگا, بنیادی سوال یہی ہوگا. وَلَنَسْأَلَ فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور سوال کریں گے تم سے اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے, جن پر رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا. دیکھیں پہلے بار کس کی آئی, جن پر رسول بھیجے گئے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ, رسولوں کی بات بعد میں آئی. رسول تو الحمدللہ ہمارے آخری نبی بھی چلے گئے, خاتم النبیین, اپنی ذمہ داری اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے, تو ان سے تو پوچھنا ایک کہہ لیں کہ حجت تمام ہوگی, لیکن ہم سوچیں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے, اس کا سوال ہوگا نا. سورہ نساء کی وہ آیت جب عبداللہ بن مسعود سنا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے تھے, وہ آیت 41 نمبر ہے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت پہ گواہ لایا جائے گا اور مجھے تم پر گواہی کے لیے لایا جائے گا, تو کیوں آپ دیدہ ہو گئے تھے, کیا انہیں اپنی گواہی کی فکر تھی کہ میں نے دعوت نہیں پہنچائی؟ نہیں, وہ تو ایک حجت الوداع میں خطبۃ آخری خطبہ تھا اس میں سوال کر کے گئے تھے, حل بل لغ تو تین دفعہ پوچھا تھا نا, سب نے کیا کہا تھا, نام مشہد, یقین آپ نے پہنچا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں, اور کہتے ہیں بہت سے صحابہ کرام پھر گھر نہیں گئے تھے, دعوت کے لیے نکل گئے تھے, اور ہم دیکھتے ہیں مکہ میں ہمیں کتنے صحابہ کرام کی مشہور کی خبریں ملتی ہیں, کسی کی عراق میں ملتی ہے تو کسی کی کہاں ملتی ہے, انہیں بھی پتا تھا کہ مکہ کی جو عبادت ہے وہ 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے, یہ بات ہمیں ہی نہیں پتا چل گئی, ان کو ہم سے پہلے پتا تھی, لیکن انہوں نے ترجیح کس کو دی, اس ذمہ داری کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں آتا نہیں ہے, بلے وانی بلو آیا, کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ, اب کسی کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے, بچے نے بھی تلاوت کی تھی, 7 آئے تھے اس میں, کوئی نہیں مسلمان یہ کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا, ایک بات پتا چلی یا آج سنی تو یہ ذمہ داری بن گئی کہ آگے جو بھی لواحقین ہیں دوست احباب رشتہ دار جو بھی ہے اس کو بتائی دیا جا کے کہ آج میں نے یہ بات سنی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ جس کو بتایا جائے وہ زیادہ اثر لینے والا ہوتا ہے, وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے لگتا ہے اور اس کا اجر بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی چار میں اپنا یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کو دعوت دی اپنے درس میں آنے کی, چند سال پرانی بات ہے, 6-7 سال پرانی بات ہے, تو 8-10 دفعہ انکار کے بعد ایک دفعہ آ گئے, اس کے بعد وہ جب اس دعوت کو سمجھے تو آج وہ ہمارے بڑے لیڈر ہیں, ہمارے پاس ہی آ کے رکن بنے, اور میں دیکھتا ہوں ہم سے کہیں زیادہ وہ اس پر کر رہے ہیں, ایک سے زیادہ ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم نے بس ایسی روٹین کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے درس ہوگا آپ آئیے گا, بعض اوقات روٹین ہی بن جاتی ہے,
दावत देनी है, वैसे देना है, जो मिला उसको कहना है, अगरचे हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसी रूटीन में था, बल्कि वो आए थे घर पे, बीमार था, तीमारदारी के लिए आए। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे घर पर दर्श भी होता है तो कभी आया करें। वो कह लेंगे आपने पहले भी बहुत दफ़ा कहा, आज मैं आपके घर का मैं आया करूँगा ना। तो ये तब्दीली तो अल्लाह लाता है। हमारा काम क्या होता है, जाके किसी को बता दो कि यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ ये है। तो अल्लाह ताला अब आपका एक वो सेंटर खुल गया, वो अच्छा आपकी आप चले भी जाएँ तो ये बिजनेस चल रहा है। कि और बिजनेस हो, आप मर जाएँ या किसी दूसरे शहर चले जाएँ तो पीछे खाली हो गया होता है। तो ये अहम जिम्मेदारी है हमारी। और इसकी फितरी तरतीब क्या है, एक ये अहम इसलिए है कि ये हुकूक इबाद में से आता है। कि मेरा एक भाई वो आग की तरफ जा रहा है, मुझे पता भी है कि आग में जाके गिरेगा, मैं उसको ना रोकूं, तो ये सबसे बड़ी ज्यादती अपने भाई के साथ है। मुझे पता है कि ये जो काम कर रहा है इसे जानने में जाना है, और मैं आराम से बैठा रहा हूँ कि जाने दो जी, तो मुझसे भी पूछा जाएगा। इसकी फितरी तरतीब ये है। अल्लाह ताला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नार, बचाओ या ईमान वालो अपने आप को, अन्फुसकुम व अहलीकुम, अहलीकुम बड़ी ऐसा लफ्ज़ है जो बड़ी जामियत है, इसमें अहल वयाल भी आ जाते हैं, सबसे पहले वही आएंगे आपकी सर्कल में, फिर अहल मोहल्ला भी आ जाते हैं, हम भी अहल हैं ना, फिर अहले ज़ुबान भी आ जाते हैं, फिर अहले वतन भी आ जाते हैं। तो ये दायरा आप जितना फैलाते जाएंगे, शुरू ज़ाहिर ज़ात से करना है इसको आप, तो पहले अपनी ज़ात से करें, फिर अपने करीब व जवार के लोगों को जाके बताएं, जैसे कि फरमाया ना कि अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फिर मुतनब्बे करो अपने करीब वालों को। तो इस हवाले से इस तरतीब को शुरू करना है, फिर इसमें अटक नहीं जाना कि फर्ज करें आपके साथ वाला पड़ोसी नहीं सुन रहा, तो ये नहीं कि उससे नक्श को बताए ही ना जब तक ये नहीं मानेगा, इसमें अटकना नहीं है। ये ऐसा काम है कि आप दावत देते रहते हैं, जहाँ जहाँ भी दी जा सकती है, और अटकना नहीं है। बेशक अपना बेटा भी नहीं मान रहा तो उसके पूरी कोशिश करनी है, लेकिन आगे भी चल पड़ना है। सैयद नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें, सैयद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं मानी थी, लेकिन दावत तो देते रहते थे। बहुत सी मिसाल नहीं है हमारे पास, लेकिन दावत का काम शुरू अपनी ज़ात से ही करना है, अपने करीब से ही करना है, पूरा जोर तक इंटेंसिटी उसकी यही होगी, लेकिन रुकना कहीं नहीं है। तो इस हवाले से ये बात हमें समझ में आई। और जो आखिरी छोटी सी सूरत दो मिनट में उसकी मिसाल दे के, वो वलासर की मिसाल बड़ी इसमें आती है। वलासर तकरीबन हम सब मुसलमानों को आती है, इनको बहुत कम भी आता है ना, तो पहले ये 10-12 सूरतों में आ जाता है, तो आती होती है, छोटी सी सूरत है। इसमें भी बिल्कुल क्लियर कट में पैगाम है। सारी गुफ्तगू तो मैंने बहुत तवील की, बेशुमार आयात की मिसालें दी, लेकिन इस छोटी में मुकम्मल मैसेज है। अल्लाह ताला ज़माने की कसम कह रहे हैं, अज़बिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, यकीनन इंसान खसारे में है। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा सब इंसान खसारे में हैं, आगे इल्लल लज़ीन आमनू, अब बताया कौन लोग बचे हुए हैं, सिर्फ चार खसूसियात वाले, इल्लल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने अमले सालेह कर लिए। हमने भी बचपन में हिफ्ज़ किया था, और बहुत अरसा यही समझते रहे कि जी हम ईमान तो अल्लाह ताला ने ढोंगे में दे दिया है, वालदैन थे और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि बुराई ना करें तो शायद हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये जब मतीन भाई जैसे किसी साथी ने दावत दी किसी दर्स की, तो वहाँ एक साथी ने जब वलासर सुनाई तो मैं हिल गया। अगर तो बचपन से कितनी दफा पड़ी होगी, लेकिन एक वक्त होता है किसी इंसान का कि वो असर कर देती है। तो मैंने कहा ये तो कंपलसरी आइटम है, कोई ऑप्शनल नहीं है कि ठीक है जी ईमान ले या काफ़ी, ये तो ज़रूरी है। तवासो बिल हक़ तवासो बिल सब्र जो है ये भी इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर इंसान अल्लाह ताला ने कसम देके कहा कि इसमें खसारे में है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।